पर रहते हैं बहुत सारे साधु संत, और मेरे सामने उधर शिवानंद आश्रम है और इस साइड में आदित्य योग आश्रम दिख रहा है। शिमलानंद जी बता रहे हैं कि माता जी की कुटिया है और बहुत पुरानी यहाँ पे रहती है, बहुत समय से यहाँ पे है। अब बस 1 किलोमीटर रह गया गंगोत्री धाम। चारों तरफ बंद है। अब हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री धाम, आप दर्शन कर सकते हैं गंगा जी के। अभी सामान ईसावास्य आश्रम में रख दिया हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ दर्शन करने के लिए। सामने गंगा, अभी यहाँ गंगोत्री में चारों तरफ सफाई का काम चल रहा है और 10 तारीख को खुलेगा, तो उसके पहले ही लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं चारों तरफ। सामने कृष्णा मंदिर और उसके पास में है ईसावास्य आश्रम, और वहीं पे आज मैं रात में रुकूंगा ईसावास्य आश्रम में। अभी चलते हैं गंगा मंदिर देख करके आते हैं, अंदर दर्शन तो नहीं होंगे लेकिन ऐसे ही देख लेते हैं। चलिए दर्शन करा देते हैं गंगा जी के। मंदिर की तरफ जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। सामने मौनी बाबा आश्रम है और यहाँ पर जैसे आप यात्रा के दौरान आ रहे हैं तो यहाँ रुक सकते हैं, बाकी ईसावास्य आश्रम में भी आप रुक सकते हैं और कृष्णा आश्रम भी है। गंगोत्री धाम सदियों से सिद्ध भूमि रही हुई है, बहुत सारे साधु संत महात्मा यहाँ पर आकर के तपस्या किए हुए हैं और आज भी बहुत सारे महापुरुषों की यहाँ पर कुटिया है। और मैं अभी गंगा जी के जो मंदिर है इस साइड से किनारे किनारे मैं आ रहा हूँ, तो मुझे इस साइड में भी काफ़ी सारी कुटिया दिखाई दे रही हैं और इस साइड में काफ़ी सारी कुटिया दिखाई दे रही हैं, तो देखते हैं किन किन महापुरुषों के दर्शन हो पाते हैं, क्योंकि गंगोत्री धाम में जो सर्दियों का मौसम उसमें भी यहाँ पर रहते हैं बहुत सारे साधु संत। और मेरे सामने उधर शिवानंद आश्रम है और इस साइड में आदित्य योग आश्रम दिख रहा है, यही गंगा जी मंदिर के किनारे किनारे आने पर। और इस साइड से भी एक बड़ी सी शिला आती है और फिर यहाँ से आने पर यहाँ पर भी काफ़ी साधु संतों की कुटिया है। और अभी तो बहुत सारे साधु संत नीचे गए हुए हैं। ये आत्मानंद जी की कुटिया है, अद्वैत कुटीर, और ये अभी बंद है, लगता है वो नीचे गए हुए हैं। इस साइड में देखता हूँ, अभी अधिकतर जो संत महात्मा है वो सर्दियों में नीचे चले जाते हैं, अब जब पट खुलेगा तब उस समय यहाँ पर आएंगे। और सर्दियों में यहाँ पर ज़्यादा 15-20 महात्मा रहते हैं जो पूरी सर्दी भर रहते हैं। Thank you.
मंदिर से आधा एक किलोमीटर दूरी आने पर ये कुटिया है नीले रंग की, और यहाँ पे माँ लिखा हुआ है, शायद किसी साधु संत की होगी यहाँ पे कुटिया। और मैं अभी आगे जा रहा हूँ, एक झंडा लगा हुआ है वहाँ पर भी किसी संत महात्मा की कुटिया है, जाता हूँ दर्शन करके आता हूँ। ये हम उस पार जा रहे थे लेकिन एक ग्लेशियर आ गया है और ये इसको उस पार नहीं जा सकते, और इसके उस पार भी एक झंडा लगा हुआ जहाँ पर किसी महात्मा की कुटिया है। अब इससे आगे नहीं जाएंगे, अब ये ग्लेशियर आ गया, अब हम यहाँ से वापस चलते हैं। हम ये गंगा मंदिर से लगभग एक किलोमीटर दूर आ गए हैं, चलते हैं वापस इधर से मौनी बाबा आश्रम देखते हुए, फिर उसके बाद में आगे जाएंगे जो सूर्य कुंड है वहाँ पर भी दर्शन करेंगे। आज का ही दिन है, आज ही जितना घूम लेते हैं, फिर तो कल तो वापस जाना है हमें। हमारे साथ में है विमलानंद जी, स्वामी विमलानंद जी हैं और ये क्रिया योग आश्रम से हैं, इन्हीं के साथ में मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। और ये पहले भी एक दो बार आ चुके हैं गंगोत्री, तो अब की बार बोले चलो पट खुलने के पहले एक बार घूम करके आते हैं, तो मैं बोला चलो चलते हैं। अभी मौसम भी अच्छा है और भीड़ भी नहीं है। अभी तक तो सारी कुटिया बंद मिली, एक कुटिया ऊपर दिख रही है और वहाँ पर अपना तिरंगा भी फहरा रहा है, देखते हैं वहाँ पे शायद किसी के दर्शन हो जाए। गए हो वहाँ, कौन रहता है? माता जी कोई? आओ, ये बोल रहे हैं ये पहले गए थे वहाँ पर, कोई माता जी रहती हैं, तो चलो हमें भी सिद्ध माता जी के दर्शन हो जाएंगे। एक गुफा यहाँ पर भी दिख रही है लेकिन अभी यहाँ पे बंद है, यहाँ पर भी कोई सिद्ध संत रहते होंगे। ये गुफा है अंदर, थोड़ी बहुत रहने की जगह है। पहुँच चुके हैं कुटिया में, अभी तक तो किसी के दर्शन हुए नहीं, देखते हैं किसी के दर्शन हो सकते हैं। लगता है यहाँ पर भी बंद है। विमलानंद जी बता रहे हैं किसी माता जी की कुटिया है और बहुत पुरानी यहाँ पे रहती हैं, बहुत समय से यहाँ पे हैं, और अभी इनके भी दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, पता नहीं कहीं पे गई होंगी। अभी माता जी भी कहीं गई हुई हैं इसलिए इनके दर्शन नहीं हो पाए हैं, तो चलिए कभी बाद में करेंगे, क्योंकि अभी यात्रा चालू नहीं हुई है इसलिए सारे संत अभी लगभग नीचे ही हैं। ये मौनी बाबा आश्रम है और जब आप गंगोत्री धाम में आए तो यहाँ पर भी आकर के रुक सकते हैं, और इन्होंने मौन जो लिया था 1996 से 2010 तक ये मौन थे, और इनका ये पुराना आश्रम है। उस साइड में दर्शन हो गए हैं, अब इधर जा रहे हैं जहाँ पे दंडी आश्रम है और सूर्य कुंड है। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। 1985 में बना था पुल। यहाँ से पूरा रास्ता खिसक गया है और यही रहता है कि यहाँ कभी भी कोई भी रास्ता खिसक जाता है, तो इसलिए बहुत खतरा वाली जगह रहती है सब। ये देखिए पूरा पेड़ नीचे गिर गया खिसक करके। ये भी यहाँ से खिसक करके पेड़ नीचे चला जाएगा। दंडी आश्रम के पास में ही है सुंदरानंद जी का आर्ट गैलरी है, इसको मैंने 2-3 बार अपनी वीडियो में दिखा चुका हूँ, और अभी शायद ये बंद होगी तो बाहर से आप देख लीजिए। और इसके पास में सूर्य कुंड है। ये है तपोवनम हिरण्यगर्भ कला दीर्घा स्वामी सुंदरानंद जी का, काफ़ी खूबसूरत अंदर उन्होंने फोटो संजो करके रखे हुए हैं, तो अभी खुला तो है, देखते हैं। और ये है सूर्य कुंड, यहाँ का प्रसिद्ध सूर्य कुंड।
बोलते हैं, इसके नीचे शिवलिंग है और वहाँ से उस पर जलाभिषेक होता है। अभी हम यहाँ गौरी कुंड के पास में हैं और यहाँ पे गौरी माता के चरण चिन्ह हैं। ये है चरण चिन्ह गौरी माता के। जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। यहाँ पर और भी साधु संतों की गुफा है आगे उस साइड में, उसका रास्ता गंगा जी के उस पार है। और यहाँ पर भी एक गुफा आगे भी है। अब हम जा रहे हैं पांडव गुफा, ये भी एक गुफा है और सारे साधु संत अभी गए हुए हैं नीचे, जब पट खुलेगा तब आएंगे। ये गौरी शिला है, अब यहाँ पैर फिसल रहा है पूरा और ये पूरा गौरी शिला है। अब शाम के बजने वाले हैं 6 और सब जगह पे तो मैंने दर्शन कर लिया है, अभी ज़्यादातर महात्मा भी नीचे ही गए हुए हैं। अब जब पट खुलने वाला होगा उसके 1 हफ्ते पहले आएंगे। बाकी अभी यहाँ पर जो पांडव गुफा है उसके दर्शन करने जा रहे हैं, अब देखते हैं वहाँ पे महात्मा हैं कि चले गए हैं। सामने योग विहार गुफा है और पास में ही पांडव गुफा है। पहले चलते हैं पांडव गुफा और फिर उसके बाद में आगे। लाइट तो जल रही, लगता कोई है वहाँ पे। ज़्यादातर गुफा में तो संत महात्मा नहीं है, सब लोग गए हुए नीचे। बहुत ढूंढने के बाद में अब हम पहुँच चुके हैं पांडव गुफा और यहाँ पे बहुत सारे घुमक्कड़ लोग हैं। यहाँ पर पूरी घुमक्कड़ों की फौज जमी हुई है और पांडव गुफा आ गए हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। कॉफी लेंगे थोड़ा? हाँ थोड़ा सा मुझे चाहिए। महाराज जी ने यहाँ कॉफी पिलाई, बहुत बढ़िया। अब पांडव गुफा में दर्शन हो गए हैं और यहीं पास में एक और गुफा है, योग विहार गुफा है। यहाँ पर भी ताला लगा है, इसमें देखते हैं महाराज जी हैं कि नहीं। अभी शाम के बजने वाले हैं 7:30 और अभी इस आवाज़ से जो आश्रम है वहाँ पर 7:30 बोले थे भोजन के लिए। नहीं, इस आवाज़ से आश्रम में और यहाँ पर अब 7:30 भोजन मिलेगा। और आज हमने लगभग 10 से 15 किलोमीटर पूरा गंगोत्री सब जगह पे हमने भ्रमण किया और साधु संतों के दर्शन किए। ज़्यादातर साधु संतों थे नहीं, उनकी कुटिया बंद थी। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री राधे।